स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक टॉयज में। और आज मैं जो है अनबॉक्स करने वाला हूँ डांसिंग एप्पल। तो दोस्तों डांसिंग एप्पल जनरली वो एक मेड इन इंडिया टॉय है, अभी इंडिया में भी बनना शुरू हुआ है। और उसके अंदर जो है दोस्तों प्लास्टिक का गेयर बॉक्स है, बारीक बारीक पुलीज है प्लास्टिक की, और बहुत डिफिकल्ट उसका मैकेनिज्म है। और जो है दोस्तों सेल, उसके अंदर 3 सेल आपको डालने पड़ते हैं, और वो जो है राउंड रोटेट होता है, मतलब घूमता है, गोल गोल घूमता है। और दोस्तों उसका मैकेनिज्म बहुत डिफिकल्ट है। तो दोस्तों क्या होता है, जब कोई गियर बॉक्स डिज़ाइन करना होता है, टॉय इंडस्ट्री के अंदर इंजीनियर्स जो है वो लगते ही है, और रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत मतलब बहुत खर्चा हो जाता है। डाई डिज़ाइनिंग मतलब जो साँचा है जिसमें से प्लास्टिक के यूनिट्स निकलेंगे, वो साँचा बनाना आसान है, लेकिन गियर बॉक्स डिज़ाइन करना उससे ज़्यादा डिफिकल्ट है दोस्तों। क्योंकि गियर बॉक्स जो होता है, पुलीज जो होती है, तो एक गियर को जो होते हैं, हर एक गियर को दांत आते हैं, तो दांत वाले जो गियर है तो 2 दांत के बीच में कितना गैप होना चाहिए, और दूसरा जो छोटा गियर हम उधर बिठाने वाले हैं तो उसके दांतों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, और टाइमिंग क्या होना चाहिए कि परफेक्ट टाइमिंग पे हमें एक परफेक्ट ऑब्जेक्टिव मिलेगा। मतलब हर 2 सेकंड के बाद अगर कोई खिलौना चल रहा है तो वो डांस करना चाहिए 3 सेकंड में। तो ये जो टाइमिंग कैलकुलेशन से, ये जो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये अभी आपको गियर बॉक्स देख के समझ जाएंगे आप। वो जो गियर बॉक्स है उसमें से कुछ कंपोनेंट्स निकल भी सकते हैं, बाहर कहीं गिर गए तो लग सकता है बच्चों को, वो हार्मफुल हो सकता है, इट कैन हार्म टू बेबी और चाइल्ड। सो डोंट ओपन द गेयर बॉक्स और मैकेनिज्म।